हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 अभी एक्सरसाइज 9.45 क्वेश्चन नंबर 1 उसका हम 7th कर रहे हैं। तो 7th में देखिए कि क्या लिखा है। तो नंबर 7 कर रहे हैं हम। 7 में लिखा है 6x - 7 6x + 7, राइट। तो वापस a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर होगा। फर्स्ट में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। फर्स्ट में a आएगा, सेकंड में b आएगा। a और b क्या है, 6x और 7 है। तो 36x² - 49, तो नंबर 8। तो नंबर 8 में क्या है, माइनस ए प्लस सी, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं c - a होल स्क्वायर। तो c² - 2ac + a² ओके। तो इसमें कौन सी फॉर्मूला हमने यूज़ की, इसमें हमने यूज़ किया a - b a + b, दैट इज़ इक्वल टू a² - b² यूज़ किया। और इसमें कौन सा यूज़ किया, a - b होल स्क्वायर। तो a² - 2ab + b² का यूज़ किया हमने। देन नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 में क्या दिया है, 9 में दिया है x/2 + 3y/4, और दूसरे ब्रैकेट में भी सेम है x/2 + 3y/4, राइट। तो x/2 + 3y/4 होल स्क्वायर हो गया, ओके। तो a² 2ab और b² x/2 3y/4 और 3y/4, तो x² / 4 2 2 कट जाएगा, तो 3xy/4 और 3/4 का स्क्वायर क्या होगा, 9/16 हो जाएगा, ओके। तो 9/16y², ओके। देन नंबर 10 वी आर डूइंग। नंबर 10 में क्या दिया है, 7a - 9b दो बार दिया है, 7a - 9b, तो क्या हो जाएगा, 7a - 9b होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a² - 2ab + b² होगा, तो 7a वापस 7a, 9b वापस होगा 9b, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49a² 7 2 जा 14 9 जा क्या होगा, 126, ओके। 14 9 जा 126, तो 126ab + 9b² राइट। तो 9b² तो 81b² हो जाएगा, राइट। तो इसको हम चेक करेंगे तो ये आंसर आ रहा है कि नहीं, ओके। 126ab और 81b², ओके। देन वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, यूज़ द आइडेंटिटी x + a x + b, दैट इज इक्वल टू x² + a + b + ab टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, राइट। तो फर्स्ट वन दिया है, उसका करते हैं हम, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, ओके। क्वेश्चन 2 नंबर 1, उसमें बोला है x + a x + b = x² + a + b x + ab, ये प्रॉपर्टी का आइडेंटिटी का यूज़ करना है। और x + 3 x + 7 ये हमें दिया गया है। तो x² a + b, तो 3 + 7 x
प्लस ए बी मतलब 3 × 7, तो एक्स स्क्वायर 10x प्लस 21। ओके देन सेकंड वन वी आर डूइंग, सेकंड में दिया है 4x प्लस 5 एंड 4x प्लस 1, 4x प्लस 5, 4x प्लस 1। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला का यूज़ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो 4x 5 प्लस 1, 4x 5 और 1, तो 16x स्क्वायर 5 प्लस 1 6 इंटू 4x प्लस 5 वन जा 5, तो 16x स्क्वायर 6 4 जा 24x और 5 वन जा 5। ओके देन वी आर डूइंग नंबर 3। नंबर 3 में क्या दिया गया है, नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 इज गिवन 4x माइनस 5 एंड 4x प्लस 1। कौन सी फॉर्मूला का यूज़ करना है हमें, x प्लस ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट, ये फॉर्मूला का हमें यूज़ करना है। तो एक्स स्क्वायर के लिए ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी और एक्स की जगह क्या दिया है, 4x दिया है हमें, राइट, तो यहाँ पर आएगा 4x, तो 4x के लिए भी एक ब्रैकेट रख देते हैं प्लस ए इंटू बी, राइट, तो यहाँ पर आएगा 4x ए प्लस बी माइनस 5 प्लस 1, एक्स क्या दिया है 4x और माइनस 5 इंटू 1, तो 16x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, तो माइनस 4 इंटू 4x माइनस 5 बन जाए तो माइनस 5, तो 16x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 5। ओके तो ये हमें आंसर मिला, तो नंबर 3 हमने किया माइनस, नंबर 3 में माइनस 1 दिया है यहाँ पर, राइट, तो ये ज़रा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1 रख देते हैं, माइनस 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1, यहाँ पर भी माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, तो 6 4 जा क्या हो जाएगा 24, राइट, तो 16x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 5। ओके तो ये हो गया हमारा नंबर 3, देन वी विल डू नंबर 4, राइट, तो नंबर 4 में क्या दिया है वो देखते हैं। तो नंबर 4 में दिया है, नंबर 4 इज रिटर्न 4x प्लस 5 4x माइनस 1, तो वापस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, तो 4x 5 माइनस 1 4x 5 और माइनस 1, तो 16x स्क्वायर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा और 4x 5 इंटू 1 तो माइनस 5, तो 16x स्क्वायर 16x और माइनस 5, राइट, देन नंबर 5 देखते हैं, नंबर 5 में क्या दिया है, तो नंबर 5 में दिया है 2x प्लस 5y 2x प्लस 3y, तो फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सेकंड एलिमेंट अलग है दोनों में, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए इंटू बी, तो यहाँ पर आएगा 2x 5y प्लस 3y, राइट, ए प्लस बी हो गया, x क्या होगा 2x, ए बी क्या होगा 5y एंड 3y, तो 4x स्क्वायर 5y प्लस 3y क्या होगा 8y इंटू 2x, 5 3 जा 15y स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर 8 2 जा कितना होगा 16xy,
सिक्सटीन एक्स वाई प्लस फिफ्टीन वाई स्क्वायर, राइट। तो सिक्स सेवन हम नेक्स्ट में करते हैं, ओके।